दोस्तों मैच के लास्ट ओवर्स के दौरान ऋषभ पंत और केएल राहुल से जुड़ा देखने मिला एक अजीब वाकया और यहां पर एक बड़ा हादसा होने से भी बच गया। जी हां मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच एकाना स्टेडियम में खेले जा रहे इस आईपीएल के 26th लीग मुकाबले की, जहां एलएसजी के दिए गए 168 रन के टारगेट को डीसी की टीम ने बड़ी ही आसानी से चेज करके मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके पहले 16th ओवर में रवि बिश्नोई की बॉल पर आगे निकलकर छक्का लगाने की कोशिश में ऋषभ पंत 41 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो गए। लेकिन इस दौरान ऋषभ पंत के हाथ से बल्ला छूट गया और केएल राहुल के हाथ पर जा लगा, जिससे उनका हाथ भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया।